जब बात होती है दुनिया के टॉप बिलियनर्स की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इमेज बनती है एलोन मस्क की, जो कि करंटली दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। उसके बाद इसी लिस्ट में नाम आता है जेफ बेजोस का, गौतम अडानी, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट एटसेट्रा। ये लोग दुनिया के कुछ बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ अमीरों की लिस्ट में भी आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि इस लिस्ट में किसी शेख या प्रिंस का नाम क्यों नहीं आता? फॉर एग्जाम्पल अरब कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर वगैरह, इन कंट्रीज के जो प्रिंस या शेख होते हैं उनका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं आता? बल्कि उनके पास तो अंधा पैसा होता है। आप इनकी अमीरी का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि भाई साहब ये लोग कार खरीदेंगे 50 करोड़ की, 60 करोड़ की, 100 करोड़ की, और फिर इन्हीं कारों में हजारों करोड़ों का मॉडिफिकेशन कराते हैं, जैसे पूरी कार ही सोने का बना देना, पूरी कार पर डायमंड लगा देना और भी बहुत कुछ। आज की इस फ्रेश वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, लाइक तो करके जाएंगे क्योंकि वीडियो इतनी ऑसम होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। देखिए मैं आपको इस वीडियो के बारे में तीन पार्ट में बताऊंगा। नंबर वन, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट बनाता कौन है और ये लिस्ट कैसे बनती है। नंबर टू, इस लिस्ट के लिए एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है। एंड लास्ट नंबर थ्री, और आखिर क्यों शेख या प्रिंस और तो और अरब कंट्रीज को इस लिस्ट में नहीं शामिल किया जाता, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। फोर्ब्स एक अमेरिकन मैगजीन कंपनी जो कि हर साल मार्च के महीने में अपनी इस लिस्ट को अपडेट करती है, मतलब उस लिस्ट में 100 या 200 लोग होते हैं जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं, और इस लिस्ट में जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा रहती है वही इस लिस्ट के काबिल होता है। जैसे अगर किसी की नेटवर्थ $1 बिलियन से कम है तो वो इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाएगा। सिर्फ फोर्ब्स ही नहीं बल्कि और भी कंपनीज हैं, जैसे कि बिजनेस इंसाइडर, ब्लूमबर्ग वगैरह, ये भी एक लिस्ट बनाते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, और लगभग सारी कंपनीज की लिस्ट एकदम सेम होती है। लेकिन एट द एंड सब लोग फोर्ब्स की लिस्ट को फॉलो करते हैं। अब आपको बताता हूँ कि फोर्ब्स और बाकी कंपनीज इस लिस्ट को बनाते कैसे हैं। बहुत से लोगों ने पूछा कि आखिर आप इतनी परफेक्ट लिस्ट कैसे तैयार कर लेते हैं और इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि फोर्ब्स की लिस्ट हर बार सही हो, कई बार फोर्ब्स ने गलत इन्फॉर्मेशन भी दी है। अभी कुछ साल पहले हुआ यूं कि फोर्ब्स इंडिया ने बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनावत की इनकम के बारे में बताया। कंगना रनावत इतना पैसा कमाती है, पर इसके बाद कंगना रनावत की बहन ने ट्वीट कर बताया ये गलत है और फोर्ब्स इंडिया को धमकी दी, हम आपके ऊपर केस कर देंगे, आखिर आपने कैसे बताया कि मेरी बहन की इनकम इतनी है। अभी कुछ साल पहले फोर्ब्स के टॉप वेल्थीएस्ट की लिस्ट बनाने वाले एडिटर में से एक कैरी डोला ने ये बता दिया कि आखिर हम इस लिस्ट को तैयार कैसे करते हैं। उन्होंने बताया दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में फोर्ब्स की एक टीम होती है जिसमें 50 से भी ज्यादा रिपोर्टर होते हैं। अब इन रिपोर्टर का काम ये होता है कि ये सारे सूटेबल कैंडिडेट पर नजर रखते हैं। लेकिन नजर रखने से थोड़ी ना कुछ होगा। इमेजिन करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और आप चाहें कि लाओ मैं एलोन मस्क का इंटरव्यू लेकर उनसे सब पूछ लूं कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी कंपनीज है, कितने शेयर्स हैं एटसेट्रा, तो एलोन मस्क तो इंटरव्यू देने से रहे। एलोन मस्क दुनिया के सबसे बिजिएस्ट लोगों में से एक हैं, तो इंटरव्यू तो भूल ही जाओ। फिर जो रिपोर्टर होते हैं वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज, मैनेजर या उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स का इंटरव्यू लेकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है, और इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा नज़र रखी जाती है कि आखिर कौन सी डील फिक्स हो रही है, कौन सी डील कैंसिल हो रही है, रियल इस्टेट, पब्लिक एंड प्राइवेट इस्टेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्या गाड़ी खरीदी जा रही है, कितने की गाड़ी खरीदी जा रही है, कौन प्लेन खरीद रहा है, कौन घर खरीद रहा है, मतलब जिसके अंदर भी पैसा लगा उन सब पर नज़र रखी जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ बिजनेसमैन तो फोर्ब्स के साथ सामने से आकर कॉर्पोरेट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन फोर्ब्स के साथ शेयर करते हैं जो उन्हें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मार्क जकरबर्ग नेटवर्थ $62.7 बिलियन और फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से ये दुनिया के 17 सबसे अमीर आदमी है। अब देखिए 17 में आपको डाउट हो सकता है क्योंकि बहुत सी लिस्ट में मार्क जकरबर्ग 6th पोजीशन पे, 7th पोजीशन, 8th पोजीशन पर आते हैं, लेकिन मैं आपको फोर्ब्स की लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। फोर्ब्स की लिस्ट में मार्क जकरबर्ग 17th पोजीशन पर आते हैं और इनकी नेटवर्थ को कैलकुलेट करना ईजी है क्योंकि इनका सारा पैसा इनकी कंपनी फेसबुक में इन्वेस्ट है और फेसबुक की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस लिस्ट में इन्फॉर्मेशन देने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप US के एक्स प्रेसिडेंट और ये भी एक बिलियनर है, इनका जो ज्यादातर पैसा है वो सारे प्राइवेट रियल इस्टेट में इन्वेस्ट है और ये कंपनीज प्राइवेट होती हैं जिसकी वजह से अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन फोर्ब्स को नहीं देती। अगर बाई चांस फोर्ब्स या और भी कोई कंपनीज इन प्राइवेट कंपनीज के पास गई और उनसे कहा कि हमें यह पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा हो, वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फोर्ब्स को दे दें। फिर उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा हो और वो सेल्फ मेड बिलियनर हो। सेल्फ मेड बिलियनर, इसको
याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जिनको भी इस लिस्ट में देखेंगे और वो बिलियनर हैं, इनमें से ज्यादातर लोग, मोर देन 90% लोग सेल्फ मेड बिलियनर हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने उन्हें बिलियनर बनाया पर फिर भी उनका नाम इस लिस्ट में आता है, क्यों और कैसे, ये इसको सबसे अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर मुकेश अंबानी, इंडिया के दूसरे सबसे इंसान। मुकेश अंबानी के फादर धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस शुरू किया था, फिर बाद में मुकेश अंबानी को $1 बिलियन से भी ज्यादा पैसे मिल गए, लेकिन ये पैसे तो उन्हें विरासत में मिले। फिर आखिर क्यों फोर्ब्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी का नाम आता है, चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए आप $4 बिलियन के मालिक हैं और आपके दो बेटे हैं और आपने अपना सारा पैसा दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब $2 बिलियन $2 बिलियन, तो आपका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में नहीं आएगा। पर अगर वही 2 बिलियन से आप 10 बिलियन बना लेते हैं, आप इस लिस्ट के लिए सुटेबल हो जाएंगे। यही सेम चीज हुई मुकेश अंबानी के साथ। अब वीडियो का लास्ट पॉइंट, आखिर किसी शेख, प्रिंस या फिर अरब कंट्रीज को इस लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया जाता? तो जो प्रिंस होते हैं या फिर बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज होती हैं, उनका जो पैसा होता है वो किसी एक के नाम पर नहीं होता। एक इंडिविजुअल हेड तो होता है पर उस पैसे के हकदार पूरी फैमिली होती है। फॉर एग्जाम्पल दुबई की रॉयल फैमिली में सैकड़ों मेंबर्स हैं और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम उस फैमिली के हेड हैं, तो जितना भी पैसा उनके पास होगा उस पर पूरी फैमिली का हक होगा। और तो और किसी को पता ही नहीं चलता कि इन रॉयल फैमिलीज के पास कितना पैसा है। अभी कुछ साल पहले फोर्ब्स ने प्रिंस अल वलीद बिन तलाल को अपनी इस लिस्ट में शामिल किया था। लिस्ट में प्रिंस की नेटवर्थ $18.7 बिलियन बताई गई थी, लेकिन प्रिंस अल वलीद ने बोला ये गलत है, मेरे पास इससे भी 10 गुना ज्यादा पैसा है। अब आप सोचिए, जैसे कि फोर्ब्स ने लिख दिया कि मेरी नेटवर्थ $18.7 बिलियन है और आप सामने से जाकर कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है, मेरे पास तो इससे भी 10 गुना ज्यादा पैसा है, फोर्ब्स कंपनी की इमेज डाउन होगी। इसीलिए फोर्ब्स कंपनी वालों ने डिसाइड किया कि किसी भी प्रिंस या शेख को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। यही नहीं क्लियर हो पाता कि इनके पास कितना पैसा है, ये बताते भी नहीं है। और कुछ लोग अपने पैसों को सीक्रेट यानी स्विस बैंक में रखते हैं। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इस वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एंड शेयर तो बनता है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।